है वीवर, वेलकम टू नेशन बिल्डर। ये 7 मरला रॉयल क्लास 6 स्पेनिश डिज़ाइनर हाउस है। ये घर फेज 6 DHL लाहौर की प्राइम लोकेशन पर लोकेटेड है। इसका फ्रंट आप देख सकते हैं, क्लासिक डिज़ाइन किया गया है। इस पे इम्पोर्टेड मार्बल यूज़ किया गया है, ब्यूटीफुली इसको डिज़ाइन किया गया है। ये आप इसका कार रैंप देख सकते हैं, इम्पोर्टेड टाइल यूज़ की गई है। और ये सामने इसका खूबसूरत मेन गेट दिया गया है, सामने गैराज, और यहाँ पे एक्सटर्नल गार्डन दिया गया है। वॉल पे भी ब्यूटीफुल डिज़ाइनिंग की गई है, मोज़ेक का वर्क किया हुआ है। और यहाँ ये इसका गैराज दिया गया है, काफ़ी अच्छी स्पेस दी गई है। कोई भी एक बड़ी गाड़ी आप इजीली यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। सामने आपको आयत करीमा नज़र आ रही है, वॉल पे ग्राफी की गई है। ये वॉल देखें तो यहाँ पे इम्पोर्टेड मार्बल यूज़ किया गया है। ये इंटरनल मिनी लॉन दिया गया है। वॉल पे लैंडस्केपिंग की गई है, स्टोन वर्क किया हुआ है। ये इसकी मेन एंट्रेंस सॉलिड एशवुड का इसका मेन डोर दिया गया है, ब्यूटीफुली इसको डिज़ाइन किया गया है। और ये इसकी एंट्रेंस, इसमें ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम और टीवी लाउंज कंबाइन किए गए हैं। ये सामने टीवी लाउंज है, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये डाइनिंग किचन से बिल्कुल कनेक्ट किया गया है। सामने वॉलपेपर से डिज़ाइनिंग की गई है, ब्यूटीफुल इसकी मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है, हैंगिंग लाइट्स दी गई हैं। यहाँ पे सेंटर में खूबसूरत फायरप्लेस दी गई है, गोल्डन कलर का वर्क किया हुआ है। और ये सामने ड्राइंग रूम को सेपरेट किया गया है, इसका सेपरेट डोर भी दिया गया है। ये सामने ड्राइंग रूम, ये इसका सेपरेट डोर दिया गया है, इसको भी ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है। सामने आप वॉल देख सकते हैं, वॉलपेपर से डिज़ाइन की गई है, आर्ट वर्क किया हुआ है। और ये सामने विंडो दी गई है, सामने आपको गार्डन नज़र आ रहा है। इसमें भी सेम टाइल फ्लोरिंग की गई है, ब्यूटीफुल इसमें सीलिंग की गई है। सामने ये टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम कंबाइन किए गए हैं। और ये सामने दी गई हैं स्टेयर्स, जो कि आपको फर्स्ट फ्लोर से कनेक्ट करती हैं। स्टेयर के आप नीचे देखें तो वर्क किया हुआ है मार्बल के साथ, एस्ट्रोटर्फ आर्टिफिशियल ग्रास से डिजाइनिंग की गई है। और ये इसका पाउडर रूम दिया गया है, ये खूबसूरत वैनिटी, यहाँ पे आप देखें तो कमोड दिया गया है। और ये इसमें एक छोटी सी विंडो दी गई है, मिरर दिया गया है। और अब देखते हैं, ये इसके साथ ही अटैच किचन, डाइनिंग रूम से बिल्कुल सामने खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है, इम्पोर्टेड किचन यहाँ पे फिक्स किया गया है। यहाँ वॉल पे वॉलपेपर दिया गया है, ये सामने डोर दिया गया है, पैसेजेस वॉल में ओपन होता है, सिंक दिया गया है, विंडो और काफ़ी अच्छी स्टोरेज दी गई है। सामने बर्नर दिया गया है, और यहाँ पे एक्सेसरीज दी गई हैं, और ये फ्रिज की जगह दी गई है। और इसके साथ ही अब देखते हैं ग्राउंड फ्लोर पे एक बेडरूम दिया हुआ है, जो कि टीवी लाउंज से बिल्कुल कनेक्ट है। इसमें इम्पोर्टेड टाइल फ्लोरिंग की गई है। ये पूरी वॉल आप देखें, वार्डरोब दी गई है टॉप तक। सामने आप देखें विंडो दी गई है, और इस साइड पे देखें तो ये वॉल भी वॉलपेपर से डिज़ाइन की गई है, बेड वॉल। और ये सामने दी गई है मीडिया वॉल, और इस साइड पे वार्डरोब दी गई है। ये इसका अटैच बाथरूम, इम्पोर्टेड टाइल फ्लोरिंग की गई है। सामने आप देखें, इम्पोर्टेड वॉल माउंटेड कमोड फिक्स किया गया है, यहाँ खूबसूरत वैनिटी दी गई है। और ये देखें मिरर फिक्स किया गया है, और ये शावर कैबिन, यहाँ पे भी अच्छा इंटीरियर किया गया है। सामने डिश दी गई है, विंडो दी गई है, ये टॉप पे रेन शावर दिया गया है। डिसेंट इसमें सीलिंग की गई है, आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल वैनिटी, वॉल माउंटेड कमोड, ये ग्राउंड फ्लोर के मास्टर बेड। और आप देखते हैं इस घर का फर्स्ट फ्लोर,
ये टीवी लॉन्ड, सामने मेन एंट्रेंस बॉर्डर रूम, और ये स्टेयर्स दी गई हैं फर्स्ट फ्लोर से कनेक्ट करने के लिए। ग्रेनाइट के स्टेप्स दिए गए हैं, ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है इस घर का, बहुत ही अच्छा इंटीरियर किया गया है। ये सामने आपको सेंट्रल टेरेस का डोर नज़र आ रहा है, किचन दिया गया है, और ये फर्स्ट फ्लोर की लॉबी, टीवी लॉन्ज। सामने आप देखें तो ये आपको एक सर्वेंट क्वार्टर नज़र आ रहा है, बैक साइड पे ये उसका डोर दिया गया है, और ये स्टेयर दी गई है जो कि छत से कनेक्ट करते हैं, मुंटी दी गई है। ये टीवी लॉन्ज किचन के साथ फ्रंट बेड विजिट करते हैं। सामने आप देखें खूबसूरत विंडो दी गई है आर्च शेप में, और सामने छोटी सी बैल्कनी दी गई है, और ये वॉल वॉलपेपर से डिज़ाइन की गई है डिसेंट, इसमें सीलिंग की गई है आप देख सकते हैं, और ये इसकी मीडियम वॉल दी गई है। और आप देखते हैं इसका अटैच बाथरूम, इम्पोर्टेड टाइल फ्लोरिंग की गई है, ब्यूटीफुल वैनिटी फिक्स की गई है, और यहाँ पे कमोड दिया गया है, पीछे शावर कैबिन, ग्रोहिटी एक्सेसरीज दी गई हैं डिसेंट, इसमें सीलिंग की गई है, खूबसूरत मिरर दिया गया है, और दरवाजे के पीछे वॉलप्रूफ दी गई है। ये सेकंड बेड फ्रंट साइड पे दिया गया है, और ये एक विंडो, और यहाँ पीछे दिया गया है सेंट्रल टेरेस, बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट वर्क किया हुआ है, वॉल पे ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है, लैंडस्केपिंग की गई है, टैप दिया गया है, बहुत अच्छी इसमें फ्लोरिंग की गई है, अच्छी स्पेस दी गई है फैमिली के साथ सेटिंग के लिए। और अब देखते हैं तीन बेडरूम है, दो बेडरूम आप देख चुके हैं, ये सामने सर्वेंट क्वार्टर, और ये थर्ड बेडरूम, इसमें भी सेम टाइल फ्लोरिंग की गई है, ये बेड वॉल को डिज़ाइन किया गया है वॉलपेपर के साथ, ये सामने दी गई है मीडिया वॉल, इस साइड पे देखें तो वार्डरोब दी गई है, और इसको कनेक्ट किया गया है सेंट्रल टेरेस के साथ। और अब देखते हैं इसका अटैच बाथरूम, बट यहाँ पे एक बैल्कनी दी गई है, और इसका अटैच बाथरूम देखते हैं, सेम इसमें भी टाइल फ्लोरिंग की गई है, कोरियन की वैनिटी फिक्स की गई है, ये शावर एरिया निश दी गई है, रेन शावर विंडो, और यहाँ पे आप देखें तो ये कमोड फिक्स किया गया है, और ये खूबसूरत वैनिटी मिरर दिया गया है। ये इस घर का टूर था, थ्री बेडरूम हाउस है, और इसकी आस्किंग प्राइस 3.75 करोड़ है, 4.25 करोड़, और 7 मरला हाउस है, और ये स्टेयर जो कि छत से कनेक्ट करती हैं, यहाँ भी अच्छी खासी स्पेस की मम्टी दी गई है, आप स्टोरेज कर सकते हैं, और इसके अलावा छत पे मार्बल फ्लोरिंग की गई है, सिटिंग बैठ सकते हैं किसी भी टाइम में, इंजॉय कर सकते हैं। ये इस घर का टूर था, 3 बेडरूम्स 7 मरला रॉयल क्लासिक स्पेनिश डिज़ाइनर हाउस है, 4.25 करोड़ इसकी आस्किंग प्राइस है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।